तकदीर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत गोरखपुर का औरंगाबाद का इलाका टेराकोटा के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से बने हुए खिलौने और सजाने वाले सामानों को कहते हैं। औरंगाबाद के कारीगरों की किस्मत अब सातवें आसमान पर होगी, क्योंकि सरकार ने टेराकोटा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उसके प्रोत्साहन के लिए कई सरकारी प्रयास कर रही है। आपको बताते चलें कि औरंगाबाद के कारीगरों की जादुई अंगुलियों ने न सिर्फ उन्हें देश में गोरखपुर का नाम दर्ज कराने में कामयाबी दिलाई, बल्कि कई कारीगर इस कला का लोहा मनवाने के लिए सात समंदर पार भी जा चुके हैं। गोरखपुर जिले का एक छोटा सा गांव औरंगाबाद, जहां पर टेराकोटा के कारीगर अपने इस हस्तशिल्प कला के माध्यम से गोरखपुर को एक नई पहचान दे रहे हैं, अब दुनिया में भी इसका नाम जल्द ही दर्ज हो जाएगा। टेराकोटा हस्तशिल्प कला अपने आप में एक अनूठा नमूना है, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलता, और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारी सभ्यता, यानी टेराकोटा का संबंध हमारे सिंधु घाटी सभ्यता जैसी पुरातन सभ्यता से है। औरंगाबाद में इन 12 कुमार परिवारों का नाम पूरे इलाके में बड़ी ही इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि यहीं से इन कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस कला को संवारने और सजोने के लिए दिया गया है। घूमते हुए चाक पर गीली मिट्टी पर अपनी उंगलियों की कारीगरी का ऐसा अद्भुत नमूना शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। गोरखपुर का औरंगाबाद का इलाका गवाह बना है सात पुश्तों से इस कला का, जिसकी निगेबानी आने वाली पीढ़ियां भी इसलिए करेंगी क्योंकि अब ये कला सरकार की पनाह में है। इस बारे में गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने सिटी वन से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंदर जो हर जनपद में एक एक पहचान बनाने के लिए एक प्रोडक्ट चुना गया है, उस पर गोरखपुर में टेराकोटा का उद्योग का चुना गया है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में खासतौर पर टेराकोटा तो तमाम पीढ़ी से पीढ़ी ये एक तरफ ऐतिहासिक यहाँ टेराकोटा बनती है, तो यह मिट्टी का पहचान अपने आप है। उसी का बढ़ावा देने के लिए तो 10 अगस्त को माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ का टेराकोटा कलाकार से बात भी की है लाइव में। उस पर बहुत लोग का जो कितने लोग हैं उन लोग का हम लोग 10 करोड़ का लोन का व्यवस्था भी किए हैं टेराकोटा में काम करने वाले का। उसके अलावा इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक एक चाक मशीन आता है जो बनाने के लिए, वो भी मशीन हम लोग उन लोग को उपलब्ध कराए। तो उसके अलावा जो उन लोग का मार्केटिंग के लिए भी और भंडारण का और स्टोर का व्यवस्था का व्यवस्था करा रहे हैं, और आगे टेराकोटा गोरखपुर टेराकोटा का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एक कॉपीराइट देने के लिए भी प्रक्रिया चल रहा है, ताकि यहाँ का मिट्टी और दूसरे जनपद का मिट्टी में अलग फर्क है उसी के पहचानने के लिए एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का अलग एक परमिशन लेना होता है, उसका प्रक्रिया में आगे बढ़ा रहे हैं। अब जल्दी जो टेराकोटा कलाकार कितने लोग हैं उन लोग को आगे जो एक बड़ा एक उपयोग मतलब एक लार्ज स्केल में इन लोगों का नेशनल इंटरनेशनल का पहचानने के लिए हम लोग पूरा आगे प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से इस कला को निखारने के लिए कारीगरों को धन मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि वो आसान और बिना किसी कागजी झंझट में पड़े बैंकों से लोन ले सकें। टेराकोटा के कलाकारों की अगर माने तो इनका कहना है कि कभी कभी लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसे पूरा करने के लिए उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। ये गोरखपुर के लिए बड़े ही फख्र की बात है कि यहाँ की मिट्टी की खुशबू विदेशों तक महक रही है, और सब कुछ ठीक रहा तो ये महक पूरे जहाँ को महकाएगी। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया की सोच को टेराकोटा हस्तशिल्प साकार कर रही है। जल्द ही इन कुम्हारों की कला की कारीगरी से गोरखपुर के गौरव में एक और मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्रिएटिव हेड अभिषेक श्रीवास्तव और सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सुनय पांडे की रिपोर्ट। निश्चित रूप से गोरखपुर का टेराकोटा अपने आप में एक बहुत ही नायाब नगीना है, और इस नगीने को
निश्चित रूप से यहाँ पे सवारने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए, यानी इस कला को निखारने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन भी प्रदेश सरकार की मनसा के अनुसार काम कर रहा है। गोरखपुर का औरंगाबाद का इलाका हमेशा की तरह टेराकोटा के लिए जाना जाता है और ये केवल भारत ही नहीं विश्व में भी जाना जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर टेराकोटा को जो सरकारी सहायता दी जा रही है, जो उनके ऊपर वित्तीय सहायता उनको दी जा रही है, आगे चल के ये किसी पहचान से कम नहीं होगा। गोरखपुर टेराकोटा के लिए हमेशा के लिए पहचाना जाएगा। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सुनय पांडे।